नमस्कार। आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि कोरोना काल से संबंधित है। शीर्षक है एक थी गहना। कोरोना काल अपने आप में ही एक कहानी बन गया। इसी दौरान एक गहना नाम की लड़की की कहानी इस प्रकार उजागर हुई। वो नन्ही सी गहना जो अभी तक जमी पर पैर भी नहीं टिका पाती थी, धीरे धीरे घुटनों के बल चलती हुई कब 3-4 बरस की हो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो तुतला कर बोलने लगी, स्कूल जाने लगी, फिर एक दिन कॉलेज में आ गई। दिन बीतते रहे और उसका विवाह संपन्न हो गया। वह हंसती खेलती नन्ही बालिका युवती में परिवर्तित हो गई थी। विवाहोपरांत उसके जीवन शैली में अनेक परिवर्तन आए। वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगी। मम्मी पापा भाई की लाडो विवाहित जीवन में अपने पति के साथ बेहद खुश थी। घूमना फिरना, दोस्तों से बतियाना, पड़ोसियों को दुआ सलाम करना उसकी दिनचर्या का आवश्यक अंग था। वो नन्ही सी गहना जिसकी मुस्कुराहट हंसी की आवाज़ कानों में शहद घोलती थी, जिसकी मधुर भाषा से सब मोहित हो जाते थे, वो मोहनी अब अपने जीवन की सर्वोत्तम कहानी गढ़ने जा रही थी। जी हाँ, अब उसके जीवन में नया पुष्प पल्लवित होने वाला था। उसकी खुशी मानो चेहरे पर झूम झूम के लहरा रही थी। एक महीना, दो महीना, होते होते कब 9 महीने हो गए पता ही नहीं चला। समय आ गया उसे खुशियों की सौगात मिलने का। घर बाहर जैसे खुशियों की बारात आ गई हो। सब आपस में पूछ रहे, गहना और उसकी नन्ही सी परी ठीक तो है? वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन कोरोना तो अपनी कहानी पूरी कह गया। वो समय बुलाए नहीं भूल पाता जब प्रत्येक व्यक्ति गहना को संदेह भरी दृष्टि से देखता। अस्पताल में उसकी उचित देखभाल कोरोना संकट के कारण नहीं हो पाई। 2-3 दिन पश्चात गहना नई खुशियों की सुरभि लिए अपने घर पहुंची। परिवार का प्रत्येक सदस्य चहक रहा था और सोच रहा था इस नन्ही सी परी का क्या नाम रखा जाए। लेकिन अचानक सारी खुशियों पर शोक के बादल मंडराने लगे। गहना की तबीयत बिगड़ने लगी। शीघ्र ही उसे अस्पताल ले जाया गया। कोरोना के चलते इस अस्पताल से उस अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी। सारी खुशियां बारूद के ढेर के नीचे दफन हो गई। रह गई कि अनकही कहानी। उसकी यादें और उसकी सबसे प्यारी निशानी वो छोटी सी दूध मुही नन्ही परी जो कोरोना काल में जन्मी, जिसे कोरोना नहीं था, उसकी माँ को भी कोरोना नहीं था, लेकिन वह माँ कोरोना काल का ग्रास बन गई। वह असहज स्थितियों को नहीं झेल पाई। उसके दिमाग में कोरोना वायरस का भय पनप रहा था। अस्पताल का माहौल देखकर वह भयग्रसित हो गई थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह सबकी लाडली गहना कुछ इस तरह दुनिया को अलविदा कह जाएगी। माँ की लाडो जिसे मालूम ही नहीं था कि वो कोरोना काल का ग्रास बन जाएगी। धन्यवाद। ये थी कोरोना काल की एक घटना जो कि सच्ची घटना पर आधारित है।